इंडिया में आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या रहा है, हर कोई एक जैसे करियर के पीछे भाग रहा है। जिससे पूछो क्या कर रहे हो, इस एंट्रेंस की तैयारी कर रहा। कोचिंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वो हर टैक्टिक्स यूज करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका और आपके पेरेंट्स का ब्रेन वॉश करने के लिए, जिससे कि वो हो सके जो वो चाहते हैं। तो जो वो चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए आपको वो सपना दिखाना पड़ेगा जो आप चाहते हो या आपके पेरेंट्स चाहते हैं, यानी ऐसे लोगों को हीरो बनाना पड़ेगा। तो बाकी की सोसाइटी का हाल क्या होगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हीरो ऐसे होने चाहिए जहां पर के सबके लिए अपॉर्चुनिटी हो, सीट्स लिमिटेड ना हो। मैं एक नई दुनिया का सपना देख रहा हूं, और सिर्फ देख नहीं रहा हूं, उसको सच करने वाला आज उसकी शुरुआत हो रही है। वेलकम टू एसएससी मेडी जी। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, या कोई भी छोटी बड़ी परीक्षा हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में संदीप महेश्वरी जी ने इस एजुकेशन की दुनिया और खास करके इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दुनिया, जहां पर सरकारी नौकरियों की बात की जा रही है, इसकी कड़वी सच्चाई को बयां किया है। इस एजुकेशन की दुनिया और खास करके सरकारी नौकरियों की जो दुनिया है, इसके बारे में संदीप महेश्वरी ने तो कहा ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने 5-6 सालों के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग और दुनिया भर की छोटी बड़ी परीक्षाओं का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के जो गोल्डन पीरियड होता है वो बर्बाद ना हो। संदीप महेश्वरी सर का वीडियो आगे प्ले होगा, लेकिन उसके पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीजीएसएल हो, एमटीएस हो या सीपीओ हो, तो आप बहुत सारे टीचरों के साथ पढ़ रहे होंगे। हो सकता है कि आप उनका पेड कोर्स लेकर पढ़ रहे हो, हो सकता है कि आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी कि आप जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हो, चाहे वो कितना भी बड़ा टीचर हो, किसी भी फील्ड का हो, कुछ एक टीचरों को छोड़कर मैक्सिमम 99% टीचर्स आपके सपनों को बेच रहे हैं। आज के जमाने में जो एक स्टूडेंट होता है 18, 19, 20, 21 साल का, वो इमोशनली इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट ना होने के कारण ये आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। आपके सपने, आपके माँ बाप के सपने, आपकी गरीबी, आपका स्ट्रगल, आपकी लाइफ, इन सभी चीजों को कंबाइन करके ये सभी फर्जी मोटिवेशनल लाइनें बनाते हैं और उसको अलग अलग तरीके से इमोशनली आपके साथ प्रेजेंट करते हैं। आप सभी को पता है कि सीट्स लिमिटेड है गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन ये लोग आपको ऐसे सपने दिखाएंगे कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही तरीका ये अपनाते हैं अपना पेड कोर्स भी बेचने के लिए। अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल में टॉपर्स की खरीद और फरोख्त का मामला उठा था, तो मुद्दा ये नहीं है कि टॉपर्स किसने खरीदे या टॉपर्स किसके पास पढ़ा था या पढ़ी थी, मुद्दा ये था कि टॉपर्स के नाम पर आपका कैसे काटा जाए। यहाँ पर एक टॉपर को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो आपको बताएगा कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, मैंने कहाँ पे पढ़ा था, किस तरह से पढ़ा था, भले उसको कई साल लगे हों एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, लेकिन वो आके यही बोलेगा कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आजकल कई सारे टीचर्स का शॉर्ट्स वीडियो वायरल होता है, मोटिवेशनल स्पीच वायरल होती है। ये जितनी भी मोटिवेशनल स्पीच है, ये सबकी सब फर्जी है, आपका ब्रेन वॉश करने के लिए होती है, अपना बिजनेस चमकाने के लिए होती है, आपको बर्बाद करने के लिए होती है। यहाँ पर आपको फर्जी मोटिवेशनल स्पीच दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि अगर एक सीट भी है, अगर आपके पास एक सीट है, तो उसको ये मानिए कि एक सीट पर आपका कब्जा होने वाला है। आप ये सोचिए कि अगर एक सीट आ जाएगी एग्जामिनेशन में तो वो सीट मेरी होगी। इस तरह की फर्जी मोटिवेशनल बातें आपको बताई जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। और ऐसे ही टीचर्स को स्टूडेंट आज के समय में भगवान बना के बैठा है। ऑनलाइन इंडस्ट्री में स्टूडेंट टीचर को भगवान मान लिया है। अब आप आगे का वीडियो देखिए। क्या हो अगर मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर उन सबको इनवाइट करूं, वो लोग जो कि अपने अपने बिजनेसेस कर रहे हैं अपने अपने तरीकों से, जिसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पता है, वो लोग यहां पर आए और जहां पर डिटेल में सिर्फ दो चीजों के बारे में बात करी जाएगी। एक, कि आज आप जिस भी लेवल पर हो उस लेवल तक कैसे पहुंचे,
कहां से शुरू किया, यहां तक कैसे पहुंचे, उसको मैं बारीकी से समझूंगा, उनके माइंडसेट को और जो भी उन्होंने किया उसको, प्लस आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप यहां पर आना चाहते हैं, मेरे साथ में एक सेशन करना चाहते हैं और अपनी जो नॉलेज है, अपना जो एक्सपीरियंस है, वो पूरी दुनिया के साथ में शेयर करना चाहते हैं, यानी कि इस मिशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। मिशन क्या है? एक नई दुनिया बनाने का मिशन, हमारी कंट्री को एक नई डायरेक्शन देने का मिशन। जो कंट्री अभी कॉम्पिटिशन की तरफ भाग रही है, उसको कॉम्पिटिशन से हटा करके इनोवेशन तक ले जाने का मिशन। तो अगर आप इस मिशन में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यानी कि आप यहां पर आना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपको क्या करना है, हमको एक ईमेल भेजना है meet@sandeepmaheshwari.com पर। बस एक कंडीशन है छोटी सी, कि आपकी जो मंथली सेल्स है दैट शुड बी मिनिमम 10 लाख रुपीज, या फिर आपको $1 मिलियन की फंडिंग मिल गई हो। इन दोनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया को आप मीट करते हैं तो आप एलिजिबल है यहां पर आने के लिए। आप हमको ईमेल करिए और हमारी टीम आपको इनवाइट करेगी, आप यहां पर आओगे और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो भी आपने अचीव किया वो कैसे किया और आगे आप क्या करने वाले हो। उसके अलावा मेरे भी माइंड में जो आइडियाज होंगे आपके बिजनेस से रिलेटेड, वो मैं भी शेयर करूंगा आपके साथ, हो सकता है उससे आपको कुछ बेनिफिट हो। सो वी विल बी डूइंग दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, नॉट जस्ट फॉर यू और फॉर मी, बट फॉर द एंटायर कंट्री, फॉर द एंटायर नेशन। जो मीट वाले मेरे सेशंस हैं, वो शुरू हुए थे यूट्यूबर्स से, अब धीरे धीरे आप देखोगे अब यहां पर बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स आएंगे। दिस इज गोइंग टू बी एन ओपन इनविटेशन टू ऑल द स्टार्टअप फाउंडर्स। सोचो अगर आपको पता लग जाए कि वो इंसान 10 लाख रुपए महीने तक कैसे पहुंचा, तो ये इंफॉर्मेशन कितने काम की है आपके लिए। सिर्फ बोल रहे हो या देख पा रहे हो सच, क्योंकि इंफॉर्मेशन का ही सारा खेल है। अगर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है तो आपका माइंडसेट खुल जाएगा, आपको समझ आएगा अच्छा मेरे ही जैसे बैकग्राउंड से निकल करके वो इंसान आया और देखो क्या कर गया, मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर ऐसे हीरोज हो हमारी सोसाइटी में तब हम बनेंगे सुपर पावर। एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे भी लोग हैं जो महीने का 50,000 रुपए कमा रहे हैं, ऐसे भी हैं जो लाख रुपए कमा रहे हैं, ऐसे भी हैं जो 2 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, 1 करोड़ कमा रहे हैं, 10 करोड़ कमा रहे हैं, 100 करोड़ कमा रहे हैं महीने का। मतलब अपर लिमिट कोई है ही नहीं, तो सीट्स लिमिटेड नहीं है, आप कहीं भी फिट हो सकते हो, अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है। यहां पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जैसा कि संदीप महेश्वरी जी ने इस वीडियो में कहा कि बिजनेस में या कोई और कोई भी काम कर रहे हैं उसमें जो अपॉर्चुनिटी है, कोई 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, कोई 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, कोई 5 लाख रुपया कमा रहा है महीने का, कोई 10 लाख या कोई करोड़ों कमा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो बच्चा है, जो गरीब है, जो समाज के निचले तबके से आ रहा है, उसके साथ खिलवाड़ ये किया जाता है कि उसको ये सपने दिखाए जाते हैं कि आप SSC MTS क्रैक कर सकते हैं और आप 30,000 रुपया महीना कमाएंगे, आप SSC CHSL क्रैक कर सकते हैं जो कि MTS की सैलरी और कम होती है, CHSL की लगभग 26,000 इन हैंड आपकी आएगी, आप SSC GD क्रैक कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, आप ठान लीजिए आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो इतना जो पैसा है 20,000 30,000 40,000 ये आप किसी भी काम को करके कमा सकते हैं। इसके लिए आपको SSC GD SSC MTS SSC CHSL क्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के समय में IT फील्ड में इतना ज़्यादा स्कोप है कि आप 6 से 8 महीने में ही किसी भी एक बेसिक चीज़ को समझकर उसके मास्टर बन सकते हैं और आपकी सैलरी भी मिनिमम 20-25,000 से स्टार्ट होती है और कुछ एक दो सालों में ही सैलरी में सीधा जंप होता है 2 गुना 3 गुना। और इस सारी प्रोसेस के दौरान आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के समय आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहते हैं। एक समय जब आप बीत जाता है तो आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से होकर गुजर रहे होते हैं और उस समय आपकी अर्निंग भी जीरो होती है। सोशल प्रेशर, फैमिली का प्रेशर अलग होता है। और मान लीजिए कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं, चाहे वो CHSL हो या MTS हो, तो वो एक दिन में तो क्रैक होने वाली है नहीं, आपको उसके लिए पढ़ना होगा और सालों साल पढ़ना होगा। आपने अभी हाल ही में SSC MTS का कट ऑफ देखा होगा जो कि 90% से ज़्यादा गया है और इतना कट ऑफ कोई SSC MTS की तैयारी करके हासिल नहीं कर सकता। जिन लोगों ने CGL की तैयारी की और सालों से लगे हुए हैं, 4-5 साल जिनके बीत चुके हैं फिर भी उनका क्रैक नहीं हुआ, वही लोग हैं जो MTS दे रहे हैं। और अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको जानकारी होगी, जानकर ये हैरानी होगी कि उसमें से 90% इंजीनियर्स हैं जो MTS क्रैक कर रहे हैं।
मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका इंजीनियरिंग करने के बाद अच्छा खासा प्लेसमेंट हुआ और उन्होंने ये ठाना कि वो सीजीएल की तैयारी करेंगे और आज उनके 4-5 साल बीत चुके हैं, ना ही उनका सीजीएल निकला और वो एमटीएस की जॉब लेकर बैठे हैं। जहां पर उनकी सैलरी है 30,000 के करीब, वही इससे ज़्यादा पैसा उनको प्लेसमेंट में 5 साल पहले मिल रहा था। आप दूसरा कोई भी काम करते हैं तो उस काम में होता क्या है कि आपके अंदर एक स्किल डेवलप होती है, और आज का समय या आने वाला युग ये पूरा का पूरा स्किल युग है, स्किल की ही डिमांड की जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के समय मैं ये मानता हूँ कि इस तैयारी करने में जो मेहनत है वो दुनिया के किसी भी काम से ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि यहाँ पर आपको सैलरी भी नहीं मिलती, आपको दिन रात बिना किसी आशा के तैयारी करनी है। और इसके अलावा मेन प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं होती है। मान लीजिए कि किसी भी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके अंदर कोई स्किल नहीं आएगी जिसके कारण वो आप उस स्किल का यूज करके कुछ कर सकें। बट प्रॉब्लम क्या है? फेलियर। तो फेलियर को मिटिगेट करने के लिए हम क्या करेंगे? नॉलेज। अगर सही नॉलेज मिल जाए तो फेलियर होने के चांसेस कम है। जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हो, आपको पता ही नहीं है ब्रेक क्या है, गियर क्या है, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी वो बिजनेस फेल हो जाएगा। बट अगर आपको नॉलेज मिल जाए प्रॉपर, तो क्या एक नया इकोसिस्टम बिल्ड नहीं हो रहा है? देख पा रहे हो इस स्ट्रक्चर को कि अगले 5 साल बाद क्या होगा? मतलब एटलीस्ट एक नई दुनिया के लिए रास्ता खुल जाएगा जो अभी नहीं खुला हुआ है, अभी बंद है। चॉइस फिर भी आपके पास में है कि आपको इधर चलना है या उधर चलना है। 90% लोग उधर ही चलेंगे, 10% इधर चलेंगे, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 5 साल बाद वो बदलेगा, फिर 80-20 होगा। जैसे ऐसे हमारी सोसाइटी में जिनको हीरो बनाया जाता है वो बदलेंगे। आप ही में से किसी की फ्रंट पेज पे फोटोग्राफ आ रही होगी, देखो ये फीमेल, इसने ये शुरुआत करी थी 3 साल पहले और आज देखो एक यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर दी। हीरो बदल रहे हैं ना, और उनकी स्टोरी भी आपको पता लगेगी, क्योंकि अंदर की कहानी किसी को पता नहीं होती। लोगों के माइंड में क्या आता है? इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता है। सब बकवास। अभी जब वो कहानी आएंगी ना सामने, तब देखना सच क्या है। जब पता लगेगा ना उन्होंने क्या किया, कैसे किया, तब दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। फिर आप में से कुछ लोग 2-3 साल बाद यहां पर आएंगे, तब मेजर चेंज आएगा, तब आएगा मजा। जैसे अभी यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, मैं अज्यूम करता हूं 99% लोग यहां पर नहीं आएंगे, लेकिन 1% हो सकता है कोई आप में से यहां पर बैठा होगा या बैठी होगी आने वाले 1 या 2 साल बाद। यह माइंडसेट होना चाहिए, और वो जो कर पाए वो हीरो होना चाहिए। एंड वी विल क्रिएट दिस फ्यूचर। मैं, आप, हम लोग मिल करके, जो भी मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं या आप लोग यहां पर बैठे हो, हम सब मिल करके एक नई दुनिया बनाएंगे। बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो पुरानी दुनिया है इसको बनने में बहुत टाइम लगा है, अंग्रेजों के जमाने से बनी है, तो वक्त लगेगा बदलने में। 5 साल 10 साल 20 साल कोई बात नहीं, मैं यही हूं, आप भी यही हूं, बदलेंगे। और एक बात मैं आप सबसे और कहना चाहूंगा कि किसी भी टीचर को टारगेट करना मेरा लक्ष्य नहीं है, और ना ही मैंने किसी टीचर को टारगेट किया है या किसी की फोटो भी यूज की है थंबनेल में। कारण सिर्फ ये है, चाहे ये टीचर्स हों या कोई और भी टीचर्स आने वाले फ्यूचर में आएंगे तो वो सेम तरीका अपनाएंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, टीचर्स के कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में, अगर एक टीचर कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाता है कोर्स बेचने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो दूसरे टीचर को मार्केट में बने रहने के लिए उसको भी सेम स्ट्रेटेजी या कोई दूसरी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। और अगर कोई ये टीचर सोचे कि भलाई के काम में वो स्ट्रेटेजी नहीं अपनाएगा तो स्टूडेंट ही उसको मार्केट से बाहर कर देंगे, वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर किसी भी टीचर को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है या उन्हें गाली देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ज़रूरत यह है कि हम खुद को चेंज करें, हम खुद का माइंडसेट बदलें, हम ये देखें कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ रह गए और हम कहाँ जा रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ साल पहले हम जहाँ थे आज भी वहीं रह गए, या हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में भी वहीं रह जाएं? इस पर आपको सोचने की ज़रूरत है। जय हिंद।